दोस्तों, आप फेसबुक पे कोई भी अगर ग्रुप का मैसेज में यूज करते हैं, जैसे कि मैसेंजर पे आप कोई भी ग्रुप यूज करते हैं दोस्तों, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट मोड पे नहीं कर पाते हो, क्योंकि 2022 में उसको रिमूव कर दिया गया है। आप तो कोई भी मैसेंजर पे किसी से भी अगर आप चैट करते हो तो उसको आप इग्नोर मोड कर सकते हो। तो दोस्तों, जो आप ग्रुप पे किसी से चैट करते हो, मतलब बहुत सारा आपका फ्रेंड है और वो ग्रुप को आप अगर इग्नोर मोड पे करना चाहते हो बिना आप रिमूव हुए ग्रुप से, तो दोस्तों वो आप कर नहीं पाते। दोस्तों वो कैसे करना आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। अगर आप वीडियो को स्किप कर दिए दोस्तों, तो आप स्टेप फिर फॉलो नहीं कर पाओगे, स्टेप आप मिस कर जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे करना वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, एक ग्रुप है यहाँ पे, आप देख सकते हो फॉर एडुकेशन नाम का। इस पे मैं सिंपल सा क्लिक करता हूँ दोस्तों। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं आई बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पहले ऑप्शन आ जाता था कि यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट मोड करना है या क्या करना, वहां पे ये ऑप्शन आ जाता था दोस्तों। यहाँ पे अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे देखिए आपका ये ऑप्शन आ रहा कि आप ग्रुप से लीव हो जाओ या फिर ब्लॉक ए मेंबर, ये सब ऑप्शन आ रहा दोस्तों, लेकिन रेस्ट्रिक्ट मोड या फिर इग्नोर मोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो मैसेंजर है उसको सिंपल सा आपको बैक आ जाना, उसके बाद दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा आपको फेसबुक टाइप करना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपल से यहाँ पे फेसबुक आपको टाइप करके सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसका सिंपल सा आपको इसमें लॉग इन हो जाना है। जैसे फेसबुक लिखा हुआ फर्स्ट लिंक यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ सिंपल सा आपको लॉगिन हो जाना है दोस्तों। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। उसका सिंपल सा देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं एक मैसेंजर का आइकॉन बना हुआ दोस्तों, सिंपल सा आपको इसमें क्लिक करना है, आपको फिर मैसेंजर ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसको बैक कर देना है और आपको फिर से क्रोम ब्राउजर पे आ जाना दोस्तों। देख सकते हैं मैसेंजर आइकॉन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे इंटरफेस आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर एडुकेशन नाम का जो मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप को आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सा आपको ग्रुप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो आपको फिर से आपका मैसेंजर ओपन हो जाएगा दोस्तों। आपको सिंपल सा कुछ नहीं, इसको आपको मिनिमाइज कर देना या फिर इसको आपको रिमूव कर देना यहाँ से, और क्रोम ब्राउजर पे आपको आना है। देख सकते दोस्तों फॉर एडुकेशन नाम का जो ग्रुप है उसको मैं ओपन किया हुआ है दोस्तों। सिंपल सा दोस्तों यहाँ राइट साइड पे आप देखे थ्री लाइन के नीचे पे एक आइकॉन बना हुआ है, शेयर जैसा एक आइकॉन बना होता है, उस आइकॉन पे देखे सिंपल सा आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां देख सकते हैं इग्नोर मैसेज, यहां जो लिखा हुआ है इग्नोर मैसेजेस, सिंपल सा इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए इग्नोर मैसेज पे आपको फिर से क्लिक कर देना दोस्तों। और अगर दोस्तों आपका ये आइकॉन नहीं आता है तो दोस्तों सिंपल सा आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे, और आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना, ठीक है। उसका जो स्टेप मैंने अभी आपको दिखाया वो स्टेप को सिंपल सा आपको फॉलो करना है दोस्तों। आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेंजर पे जाके कि जो ग्रुप था वो ग्रुप इग्नोर हुआ है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड मोड में हुआ है या नहीं हुआ दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। उसका दोस्तों मैं यहां से मैसेंजर को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो जो ग्रुप था वो ग्रुप यहां से हट चुका है दोस्तों, मतलब इग्नोर हो चुका है। चलिए मैं उस ग्रुप को आपको दिखा देता हूं कि वो स्पैम बॉक्स पे गया है कि नहीं गया है। सिंपल सा यहां जो लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर पे मेरा प्रोफाइल का जो आइकॉन दिख रहा है, सिंपल सा इस पे मैं क्लिक करता हूं। यहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैसेज रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करता हूं, नॉट नाउ पे क्लिक करता दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, सिंपल से स्पैम पे आपको क्लिक करना है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो आपका ग्रुप था वो ग्रुप यहाँ पे आप आ चुका है। कोई भी अगर मैसेज करता दोस्तों तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर फिर से उस ग्रुप को आपको ओपन करना, मतलब उस ग्रुप पे आपको फिर से जाना है, तो दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा आप एक कुछ मैसेज टाइप कर दोगे और भेज दोगे मैसेज को, आप फिर से वो ग्रुप को आप नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ से आप जैसे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है रेस्ट्रिक्ट इज रिप्लेसिंग इग्नोर, ठीक है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों आ चुका है, सिंपल सा यहाँ पे आप एक मैसेज कर दोगे, आप फिर से मैसेंजर पे आपका ये जो ग्रुप था वो आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो जय हिंद वंदे मातरम।